Hi guys. Great. We are live now. Hi guys, how are you? कैसे हैं आप सब लोग? Hello, hello all, hello all, hello Ankit. Priyanka Singh. Hi Priyanka. Hi. Hi each and everyone. I think मैं सबका नाम पढ़ूंगा धीमे धीमे. All about positivity. Hi, I'm good. How are you guys? Tarun. Hi. सबको मेरी तरफ से हाय. निशा किरण राजपूत, आई एम गुड, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? क्या हो रहा है? आपने राजापुरम में स्टूडियो को? नहीं, मैंने तो कोई स्टूडियो नहीं खुला है अभी. मेरा जो भी स्टूडियो है वो यहीं मुंबई में है. खैर, आई थिंक अभी धीमे धीमे सब लोग जुड़ रहे हैं और बेहद खुशी की बात है कि यू नो हम साथ में आज बात करेंगे बहुत सारी. कोई भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे जो दिल में आए, और मैं भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगा जो मेरे मन में होंगी. बस मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं और बता देता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं और एकदम सेफ हूं, घर पर हूं. आज संडे है और बहुत सारी बातें करने का मन है आप सबके साथ. सोचा क्यों ना लाइव आया जाए और आपसे बात की जाए. यूपी दबंग्स विल रॉक. थैंक यू सो मच. अच्छा हाँ, ये तो बताइए कि कैसा लग रहा है शो आप सबको, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग. मैं इस शो के बारे में आपको एक दो बातें मैं जरूर बता देना चाहता हूँ. ये इंडिया का ही नहीं, ये दुनिया का पहला म्यूजिकल लीग है जो कि जिसकी शुरुआत हमारे भारत से हुई है, इंडिया से हुई है, और तमाम तरह के म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, परफॉर्मर, सिंगर एक ही छत के नीचे सब परफॉर्म कर रहे हैं. और आई थिंक इट्स ये माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है जो हम सब देख पा रहे हैं फाइनली. और आप सबको कैसा लग रहा है आप ये बताइए, और हमारी यूपी दबंग्स की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आप सबको? फैजल, लव फ्रॉम पाकिस्तान. थैंक यू फैजल सो मच, थैंक यू सो मच. आउटस्टैंडिंग सर, बिल्कुल भौकाल. क्या बात है. हालांकि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आज मैं आप सबके साथ लाइव हूं और मैं अपनी क्या बोलते हैं उसको लाइव वीडियो भी करूंगा अभी. जो भी ऐड करेंगे उनके साथ, जो भी साथ में आएंगे, उन सब के साथ लाइव जाऊंगा, उन सब के साथ ढेर सारी बातें करूंगा. और आई कैन सी लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट, वीडियो रिक्वेस्ट ऑन माय विंडो, सो ऑफ कोर्स आई विल डू दैट. बट उससे पहले थोड़ी बातें कर लें, क्योंकि इमीडिएटली मैं आप सबसे बात करना चाहूंगा बहुत सारी. और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है आज के दिन. रिक्वेस्ट ये है कि आज 8 बजे तक का टाइम है हमारे पास वोटिंग का, कि आप यूपी दबंग्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वोट्स दे सकते हैं. और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो नंबर है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि मेरा पहला टीवी डेब्यू है. मैंने बहुत वक्त से क्या मैंने कभी किया ही नहीं था.
रियलिटी टीवी, मैंने कभी नहीं किया था, तो ये पहली बार मैं कर रहा हूँ और यू नो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टीवी बहुत अलग चीज़ है और अलग हार्ड वर्क है, और मेरा पहली बार है, और पहली बार होते हुए कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है इस शो का। इसमें जितने भी प्रो सिंगर्स हैं वो जज नहीं करेंगे, वो आई थिंक वो साथ में सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब साथ में मिलके, और मेरी टीम है यूपी की, बाकी सबकी अलग अलग टीम है, बट मैं आप लोगों से अपनी टीम के लिए ज़रूर बात करूंगा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज़ सपोर्ट यूपी दबंग, यूपी दबंग्स, और शाम को 8 बजे तक का वक्त है, और जो नंबर है उसमें सिर्फ आपको मिस कॉल करना है, नंबर है 993-00-00-324, उसमें आपको मिस कॉल करना है, और आई विश कि आप ये करें, मैं वापस से आपको बताऊंगा, नंबर्स बताऊंगा कि क्या है, कैसा क्या है, मेरी इच्छा है कि आप मिस कॉल करें और यू नो यूपी दबंग्स को सपोर्ट करें। हाँ, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है ना यार, धीमे धीमे जैसे जैसे एपिसोड गुजरते जाएंगे वैसे वैसे यू नो हमारी एज ए कैप्टन मेरी भी बहुत सारी प्लानिंग है कि मैं कुछ अलग अलग क्या बोलूँ, बट ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको मैं सुना पाऊँगा, आपके साथ यू नो वो परफॉर्मेंस शेयर कर पाऊँगा, वो चीज़ें वो गाने जो मैंने नहीं गाए हैं वो मैं गा पाऊँगा, उनका तरीका क्या होगा, किस तरह से यू नो चीज़ें होंगी, वो मौका मिलेगा, और वो मौका मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ जब आप वोट करेंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने नंबर डाला हुआ है, मेरी स्टोरीज पे भी मैंने नंबर डाला हुआ है, सो आई विश कि आप यू नो यूपी दबंग्स को सपोर्ट करें, और मेरी टीम में मैं हूँ, पायल देव है, सलमान अली है, नई लड़की है बड़ी प्यारी बहुत अच्छा गाती है रूपम, वो आई है, और अमित गुप्ता करके एक सिंगर है वो भी यूपी से हैं, वो आए हैं, तो ये सब मिलके यूपी को सपोर्ट कर रहे हैं और हम साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड पे आपको समझ में आएगा कौन कौन कैसे कैसे आ रहा है, और थैंक यू सो मच कल की परफॉर्मेंस के लिए, मतलब आपने जो जितना प्यार दिया वो यू नो अनबिलीवेबल हो जाता है कभी कभी कि क्या गाने से मैं क्या गा रहा हूँ और आपको कितना अच्छा लग रहा है, वो चीज़ें बेहद खुश करती हैं, और अभी शुरुआत की है इस शो में, धीमे धीमे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बेहतर बोलने का मतलब है कि और कोशिशें कर पा रहे हैं, और क्या क्या हम अलग कर सकते हैं, कितना यू नो डिफरेंस हो सकती है दूसरी टीम और हमारी टीम के बीच में, वो कोशिश है, और जैसा कि मैंने गलियां गाया था उसमें मेरा आइडिया था कि मैं सलमान को आखिरी में लाऊंगा एक अलाप के लिए, और कल तुम ही आना जो हमें टाइम मिला था 2020 तक का, 2000 से 2020 तक का, उस टाइम में हमने परफॉर्म किया तुम ही आना जो पिछले साल का आई थिंक सुपर हिट गाना था, और तुम ही हो जो जब आशिकी 2 आई थी उस वक्त का गाना था, तो दो सुपर हिट गाने हम लोगों ने मर्ज किए थे और अपनी तरीके से परफॉर्म किया था, और आपका बहुत बहुत प्यार मिला, तो थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और बाकी आई मीन आप लोग जनता जनार्दन आप ही लोग सब कुछ हैं, आप लोग यू नो चढ़ा सकते हैं, आप लोग गिरा सकते हैं, बस मेरा मकसद ये है कि आप एज ए न्यू कमर टीवी पर जैसे मेरा डेब्यू है उसके हिसाब से मुझे आप सबकी ज़रूरत है, आप सब वोट करें तो बहुत अच्छा होगा। अब चलिए गाते हैं, कुछ बताइए क्या गाया जाए, चलिए सबसे पहले मुझे बताइए किसने किसने वोट किया। खास बात यह है कि समय जो है वो आज 8 बजे तक का ही है,
अगर आप वोट करेंगे तो हमारी टीम आगे जाएगी। तो अगर मेरी आपसे अभी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी के अभी आप अपना फोन उठाइए और आपको सिर्फ मिस कॉल करना है 9993000324। वेरी इजी, आपको सिर्फ फोन उठाना है और मिस कॉल करनी है। तो जितने लोग अभी मुझे दिख रहे हैं, आई विश कि वो मिस कॉल करें, और अगर मिस कॉल किया है तो प्लीज़ मुझे थम्स अप और कुछ भी बताएं मुझे। बिजी क्वीन, यस यही नंबर है जो आपने लिखा है 9993400324। ऑलरेडी डन कर दिया। शालिनी थैंक यू, आपने वोट किया। मोरिन थैंक यू सो मच, आपने वोट किया। इट्स ऑल अबाउट यूपी दबंग से यार, मुझे आपकी वोट्स की एक्चुअली सख्त जरूरत है। आसमी थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग यूपी दबंग्स एंड मी। डन सर, क्या बात कर दिया भैया। थैंक यू अमित, थैंक यू अंशु गुप्ता, थम्स अप, थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच। शैली यही नंबर है, करेक्ट। मैं फिर से बोलता हूं नंबर 9993400324, ये नंबर है। थैंक यू दैट ग्रीन, जो भी नाम है आपका, थैंक यू, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। आकाश मैंने भी कर दिया, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सिद्धार्थ, थैंक यू फॉर वोटिंग यूपी दबंग्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू कर दिया थैंक यू। आपसे एक्चुअली बहुत सारा प्यार पहले ही मिला हुआ है, बट आई थिंक मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना प्योर म्यूजिक हो सकता है उतना बना के आप सबको सुनाऊँ, और हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने काम को प्योर रखूँ, अपने काम को पवित्र रखूँ, पाक रखूँ, और वही आपको सुनाऊँ जो मेरे दिल से गुजरे, और वो हमेशा कोशिश रहती है और मैं करता रहता हूँ कहीं ना कहीं। हाँ, मानता हूँ मेरी स्पीड थोड़ी कम है या और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट हाँ कोशिश तो रहती है, मैं करता रहता हूँ। आज पहली बार आप लोगों से कुछ मांग रहा हूँ, एक सपोर्ट मांग रहा हूँ कि यूपी दबंग्स को सपोर्ट करिए और हमें जिताइए। बस यही इच्छा है आपसे। हाँ, किसी ने पूछा गानों को लेकर, तो अभी बहुत सारे गाने मैंने खुद के भी नहीं गाए हैं। मैं गाऊंगा जो मेरे फेवरेट गाने हैं, जो मुझे पसंद है। हाँ पवन, यही नंबर है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आई थिंक जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी, मैं उनको भी बोल देता हूँ 9993400324। मिस कॉल कर रहा है या जैसे कतरा कतरा अभी लिखा किसी ने, वो नहीं गाया, बूंद बूंद नहीं गाया है, तय है नहीं गाया है। बहुत से गाने हैं जो मुझे गाने हैं, और ऐसे भी बहुत से गाने जो मेरे नहीं हैं वो मैं गाऊंगा। तो आई विश कि वो आप सबको पसंद आएंगे, कोशिश तो पूरी यही रहेगी। बाकी हाँ, तय है गाते हैं अभी। तेरे बिन जीना पाऊंगा,
सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुमसे ही मेरा होना, तुमसे ही ये तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। तू नसीबों सा मेरे हाथों में शुरू से लिखा है, मेरा हक है तू आसमानों से मुझे जो आता है। तेरे कदमों पे हाँ जहाँ लिख दूँ मैं कभी जो कहे तू, कोई शक हो तो आजमा लेना किस दिन मुझे। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच। अभी ये सबका नाम लेने में पता नहीं कैसे लूंगा, बहुत लोग हैं मैं, बट थैंक यू आदर्श, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फैन। हाय जीतू, शैली हाय, निशा हाय, पल्लवी हाय, हाय संतोष। नो साउंड, आवाज आ रही कि नहीं आप सबको, किसी ने लिखा है? राम राम, आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है? कैन यू लिसन टू मी? दस मिस कॉल, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, हेलो ऑल, किसी ने बोला हेलो ऑल बोलो, बट मेरी आवाज आप सब तक आ रही है ना? हाँ, ग्रेट, ठीक ठीक ठीक। तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी एक नजर, ये क्या कहने लगी, तुम्हें है क्या खबर, इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, चांदनी नर्म सी रात के होंठ पर। बहुत अलग अलग जगह से बहुत लोग जुड़ चुके हैं,
मेरा अभी फोकस मैसेजेस पे ज़्यादा। चलो लाइव जाते हैं और देखते कौन कौन जुड़ा है अभी हमारे साथ। दिल में है बेताबिया, नींद उड़ने लगी। From Moscow, hi. Hello, sir. Hi, what's up? Hello, sir. Hi. Sir, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? सर मैं तो बढ़िया हूँ सर, आप? सर और बताओ सर, कैसे हैं आप? अरे कैसे बताऊँ, मैं अच्छा तो हूँ, और क्या बोलो, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने वोट किया? यस सर। आपने वोट किया यूपी दबंग्स को? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपने यूपी दबंग्स को वोट किया? नो सर। नो सर मैं अभी जस्ट कनेक्ट हुआ हूँ लाइव में। सर मैं अभी लाइव में जस्ट कनेक्ट हुआ हूँ। हाँ बट आप मतलब सपोर्ट कर रहे हो यूपी दबंग्स को, नहीं कर रहे हो, ये तो बताओ। आई थिंक इनकी आवाज ही नहीं आ रही है, कोई और देखते हैं। चलो अभी मुझे पता नहीं। अच्छा मुझे पता नहीं चल रहा है ये रिक्वेस्ट भेजनी है कि एक्सेप्ट करनी है, नहीं तो सेंड हो रहा है। चलो कोई नहीं, अपने आप पता चलेगा। तोरे बिन जिया जरना, जलू तेरे प्यार में, करूं इंतजार पिया। अभी कौन है लाइव? हाय सर। मुझे लाइव में ऐड। ए हाय हाय, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज कैटरीना कैटरॉल एंड आई एम फ्रॉम म्यांमार। यू फ्रॉम म्यांमार? म्यांमार, ओह नाइस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉलीवुड म्यूजिक? I love Bollywood songs also. Okay, what about me? I love your songs. thank you so much. So, did you vote for my team? Do you have that number? No, I don't have that number. So I'm giving you. All right. Okay. Okay. All right, so okay. 993 4 times 0 Yep. Yeah. 3 2 4 3 2 4 Thank you. Yeah. Do miss call on that number and support my team. Thank you. Lots of love. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Yep. Yes. You have to, I think you have to
कट दैट दिस कॉल, यू हैव टू कट दिस कॉल, या थैंक्स कैटरीना, थैंक यू सो मच कैटरीना. यस अब मैं कैसे ऐड करूं, आई थिंक यहां से नहीं होगा, यहां से होगा क्या, नहीं यहां से भी नहीं होगा, यहां से होगा. प्लीज डू सपोर्ट यूपी दबंग्स यार, बहुत जरूरत है आप सबकी. हेलो हेलो अंकित, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताओ. मैं अच्छा हूँ. क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन. जतिन कहाँ से है जतिन? मैं इस टाइम माल्टा यूरोप में हूँ. आप यूरोप में बैठे हो तो आप कैसे सपोर्ट करोगे? कल ही आया हूँ, परसों ही आया हूँ वहां से, इंडिया से. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो. क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ रेस्टोरेंट में. ओह ग्रेट, चलो कभी मैं आया तो आप प्लीज खाना खिलाना मुझे. आई एम वेजिटेरियन. सबको बता दीजिए कि यूरोप में यूरोपियन कंट्री में भी वेज मिलता है. बिल्कुल मिलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है. नहीं बिल्कुल भी नहीं दिक्कत जिसको जाना चाहे जाए. यू नो जैसे बीइंग अ ब्राह्मण मैं यू नो वेज खाता हूँ. ब्राह्मण? अच्छा. हाँ जी, वैसे तो वेज आज मैं भी वेज ही खाते हैं क्योंकि नॉन वेज वगैरह बंद किया हुआ. आई मीन ये मेरी मेरे दिल की चॉइस है. ऐसा नहीं कि मैं यू नो कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं वेज खाऊं, इसलिए मैं वेज खाता हूँ. सो और मेरा फेवरेट फूड है एक्चुअली. बहुत लोगों को यू नो पूछते हैं ये सवाल, तो मेरा फेवरेट फूड है येलो दाल, अरहर की दाल बोलते हैं हमारे यूपी में. अरहर की दाल, पीली दाल, मतलब पीली दाल, पीली दाल और आलू टमाटर की सब्जी एंड राइस एंड चपाती, ये मेरा फेवरेट. आलू टमाटर की सब्जी हमने कल ही बनाई थी. अरे वाह. और वो सैलेड में अनियन और अगर दही का कोई रायता हो तो वाह, मस्त कमाल. इतना में आई एम डन. दिस इज माय फूड, माय फेवरेट फूड एक्चुअली. और फॉर अ चेंज आई कैन ईट राजमा चावल, कढ़ी चावल. मैं पानी दिलवा दिया आपने. चलो अभी पानी आया तो आप खाना खाओ और मैं किसी और से बात करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आप नितिन गुप्ता को जानते हो? देखिए अब ऐसे तो बहुत लोग होंगे बट जिन्होंने गाना गाया तो कोई जानते ना, ना? ऐसे तो याद नहीं आएगा गाइस, ऐसे इस तरह से याद नहीं आएगा. बट कोई नहीं गाइस, बहुत बहुत मजा आया तुमसे बात करके. ढाबा की खिचड़ी भी बहुत पसंद है. किसने लिखा है आप? So, आपको कट करना होगा तभी मैं किसी और को ज्वाइन कर पाऊंगा. ठीक है, थैंक यू. ऑलराइट, बाय. और बताओ मैं क्या गाऊं? हाय सर. हाय. हाँ सर, एक्चुअली मैं अभी जस्ट ना नहाकर निकली हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है. वही मैंने कहा आपके बाल पीले पीले कैसे, लेकिन वो बाल नहीं, टॉवल एक्चुअली. नहीं सर, एक्चुअली ना जस्ट नहाकर निकली हूँ मैं और जस्ट मुझे पता चला कि आपका लाइव आ रहा है तो मैं वैसे ही बैठ गई. अरे क्या बात है, बहुत अच्छा किया आपने. और आप मुझे ये जरूर बताइए कि आप आपने हमारी टीम को सपोर्ट किया कि नहीं किया? सर नहीं, अभी तक तो मुझे मैंने नहीं किया है बट हाँ आई विल डू सो सून. सून का टाइम ही नहीं है, 8 बजे तक का टाइम है. हाँ सर अभी टाइम है, एक्चुअली अभी है मेरे पास टाइम. चलो तो फिर बताओ कौन सा नंबर है जिस पे आपको मिस कॉल करना है. सर 9934033434. थ्री लास्ट में 3 2 4. हाँ मिस्टेक हो गई थी. यस एब्सोल्युटली वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच. क्या नाम है आपका?
दीपिका सोनी सर। दीपिका, थैंक यू सोनी सो मच फॉर, तो ओके। मैं दीपिका बोलूंगा तो नहीं चलेगा, नहीं सर, सोनी बोलना दीपिका जरूरी है। चलेगा ना? दीपिका चलेगा हाँ? वैसे, एज यू लाइक। और जा ग्रेट कैसे हैं आप? दीपिका, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। यस यस यस, मैंने अभी एक्चुअली एक मैसेज देखा तो वो हाँ देख के थोड़ी हंसी आ गई, बट मैं अच्छा, अच्छा हूँ। सो गुड। थैंक यू, और आपको और कुछ जानना है तो जल्दी से बताइए, वरना फिर मैं किसी और से बात करता हूँ। नहीं सर, बस कुछ नहीं, मैं ये चाहती तुमसे ही सॉन्ग एक बार, आपको आई थिंक सिंगिंग करनी चाहिए तुमसे ही। तुमसे ही यहाँ पे कि एपिसोड पे? हाँ क्या सर? नहीं, यहाँ आपके आपके सामने कि एपिसोड में? चलो नहीं सर, एक बार हमारे सामने ही प्लीज सर। ठीक है, तो मैं आपके लिए गाता हूँ, होप आप जरूर मेरी टीम को सपोर्ट करेंगे और मुझे सपोर्ट श्योर करेंगे। सर। तो हाँ दिस इज फॉर यू एंड योर फैमिली। आई थिंक आई एम श्योर कोई ना कोई आसपास है, आवाजें आ रही है मुझे, तो हाँ सर, आप मेरी सबके लिए, सिस्टर है। हाँ ओके सिस्टर के लिए और आपके लिए। ठीक है, सर। दो दिल सफर में निकल पड़े, जाना कहाँ क्यों फिकर करे, कहाँ ठिकाना हो रात का, सुबह कहाँ पे बसर करे, खोया खोया दिल मेरा कहता है सही तुमसे ही, बस तुमसे ही मेरी जान है, बस तुमसे ही दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे ही। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत सुकून देता है ये थैंक यू, सॉन्ग। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच, आप सबका प्यार मुझे सुकून देता है, और थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, बहुत सारा प्यार। थैंक यू। यू टू सर, यू टू सर। ओके सी यू बाय सून। बाय, ओके आप कट करोगे तभी मैं किसी और को ऐड कर पाऊंगा। ऑलराइट, क्या बात है, कितना मजा आ रहा है यार। आई विश मैं आप सबसे ऐसे ही बात कर पाऊँ, कोई नया फीचर इसमें ऐड हो कि मैं एक ऐसे एक बटन दबाओ और कई सारी विंडो पे बहुत सारे लोग आ जाएं। हाँ, जो दर्द को सुकून दे वो दर्द तुमसे मिलता है, ए दिल जरा इतना बता क्यों इश्क उनसे होता है, सांसों को अब जीने का जैसे सहारा मिल गया, खोया खोया दिल मेरा कहता है तुमसे ही, बस तुमसे ही मेरी जान है, बस तुमसे। Who's this? हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मी टू, आई एम आल्सो गुड। आप कहाँ से हैं? Where are you from? सर जयपुर से हूँ मैं, राजस्थान। राजस्थान से हैं तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जी सर बिल्कुल, आईपीएमएल पे मैं आपको सपोर्ट करूँ। करोगी? थैंक यू फॉर अच्छा, एड। और मुझे बताइए, आपने मिस कॉल किया जी सर, किया? यस सर, अरे मैंने आपका वेरी गुड, स्टोरी देखा, मैंने कर दिया मिस कॉल। थैंक यू सो मच। और जी बताइए, सर, कुछ कहना है आपको? जी सर, मैं भी सिंगिंग करना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं? तो अभी 2 लाइन गा के सुनाओ। चलो, सर ऐसे तो एक मिनट। बट जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों से बातें करनी है, तो जल्दी जल्दी। एक बार सोच, एक बार होता है जो
ज्यादा सिवा देखिए आपको ना प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, और जब भी गाओ खुल के गाओ, अब आवाज रोक के गा रहे थे, है ना? ठीक है सर, ऑलराइट, किसी से सीखो। ओके चलो बाय, थैंक्स, यू हैव टू कट। ऑलराइट, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने लोग भी लिख रहे हैं एड मी प्लीज एड मी, तो मैं ऑफ कोर्स आपको ऐड करूंगा, लेकिन मेरे को सिर्फ रिक्वेस्ट दिखती है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और जो भी आता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी और कोई तरीका है वो मुझे पता नहीं। मेरी नींद जैसे पहली बार खून, आगे मल के सुबह एट मी। अभी देखो मेरे पास रिक्वेस्ट आई, जैसे मैंने क्लिक किया तो लव फ्रॉम टर्की, थैंक यू, लव फ्रॉम कनाडा, बेल्जियम, ओ बाहर से भी बहुत लोग जुड़ गए। हाय हाय सर, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर आई एम गुड सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर आपका मैंने भी शो देखा है सर। सर मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। एमपी से हैं? क्या बात है जी। मैं एमपी में ग्वालियर में रहा हूँ बहुत वक्त तक। अच्छा जी, बिल्कुल रहे होंगे सर। बताइए और कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने वोट किया मेरी टीम को? नहीं सर, अभी तक नहीं किया है सर। एक्चुअली मैं आज आपको फर्स्ट टाइम अभी लाइव देख रहा हूँ सर। अभी इसके पहले मैं एक्चुअली आपको फॉलो भी नहीं किया था सर। अभी मैंने आपका देखा हुआ है, जस्ट आपको फॉलो। आपने फॉलो किया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं वैसे भी सर एक्चुअली अभी तो मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ सर, क्योंकि आपसे बात भी करना चाह रहा था। मैं आपको डीएम भी किया है सर, क्योंकि मैं जबलपुर में सर एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस ओपन किया है सर मैंने अभी अपना, और मैं कुछ अभी वीडियो सॉन्ग्स भी बनाता हूँ सर, एल्बम्स वगैरह बनाता हूँ, यूट्यूब में डालता हूँ सर। एंड आपके साथ में सर एक काम करने का मेरा भी मतलब ख्वाहिश थी सर, इसलिए मैं आपको जस्ट डीएम किया है सर। मैंने आपको बहुत बार डीएम किया है, बट आपके साइड से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। नहीं, मैं बता देता हूँ कि डीएम बहुत सारे होते हैं जी सर, सबको पता है। आप जितने लोग भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो मुमकिन नहीं होता कि कितना क्या देख लो और कितना कितना देख पाओ या कितना ना देख पाओ। मेरी कोशिश रहती है, तो उसमें हो सकता है कि मिस हो गया हो या जो भी रीजन रहा हो, तो ये होता है। बट आपने मुझे फॉलो किया, यही बहुत मैं धन्यवाद दिल से देता हूँ आपको कि आपने एटलीस्ट मुझे फॉलो किया। और बस मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि मैं बहुत जितने उनसे बात कर रहा हूँ उन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है, वो थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा क्यों सर। मैं बिल्कुल सर, मैं अभी बिल्कुल वोट कर देता हूँ, आप बस मुझे नंबर दे दीजिए, किस नंबर पे करना है सर? नंबर आप लिखिए ना, 993 993 फोर टाइम जीरो। ओके सर, 324 324 जी सर। हाँ सर, मैं अभी वोट कॉल करना है और कुछ नहीं जी सर, कर दिया सर जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर मुझे आपका कुछ नंबर मिल सकता है सर? क्या कह रहे हैं आप सर? कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह मिल सकता है सर, जहां मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं? ऐसे कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं जी सर। सर एक्चुअली सर मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ सर, बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर। अभी सर जैसे हमारे साथ के हैं सर, एमी सर हैं सर, जिन्होंने अभी गाना गाया हुआ था, कहानी फिल्म का गाना था सर। हाँ जी, जी सर, एक्चुअली सर हम लोग उनके साथ में हैं सर, बट उन्होंने बोला हुआ था कि आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, तो अमी से मैं बात कर लूंगा। जी सर बिल्कुल जी सर, ओके थैंक यू सर, बाय बाय सर, थैंक यू। बट तुम्हें काटना पड़ेगा कॉल। यस सर। आपको काटना पड़ेगा। हाँ ग्रेट, लव फ्रॉम नेपाल, हाय नम्रता। ओके हाय नम्रता, ये लाइव में भी एक अलग सा मजा आता है ना, पता नहीं किस तरह की बातें होती हैं, कौन क्या कहना चाहता है उस वक्त, ये लोग काफी इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। यार अभी मैं कैसे ऐड करूं, मुझे आप ही लोग सिखाओ, क्योंकि मुझे तो रिक्वेस्ट आती है तो वहां पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैं कैसे ऐड करूँ आप में से किसी को भी? यार ये बड़ी अच्छी बात लग रही है कि लोग देश विदेश से जुड़ रहे हैं, भारत के बाहर से भी लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता
टाइम डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा बेल्जियम से अभी जुड़े, कोई यूएस से जुड़ा है, कनाडा से भी मैंने आया देखा, तो मतलब मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ आप सबका। हाय हाय हेलो सर, हाय, हेलो, हाय सर, आवाज आ रही है? सर बिगेस्ट फैन हूँ आपका। इंडिया में मेरे जितना कोई फैन नहीं होगा आपका, मैं अच्छा, जितना बिगेस्ट फैन हूँ ना। हेलो हाँ हाँ मुझे आ रही है आवाज, तुम सर, बोलो बोलो। हेलो मुझे तुम्हारी आवाज आ हेलो, रही है। हाँ जी, सर जी, मैं आपका बहुत बड़ा बिगेस्ट फैन हूँ, म्यूजिक का भी इतना फैन हूँ। और सर एक बात बताना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आशिकी 2 के लिए, लिसनर चॉइस एल्बम में वो डिकेड का आया हुआ है, मतलब पहली चॉइस है वो। जी, पता हेलो, चला मुझे। हाँ ओके, जी, सर जी आपका बहुत बड़ा बिगेस्ट फैन हूँ, आप ही को फॉलो कर रहा हूँ म्यूजिक में, करीब करीब 3 साल से मैं क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ, तो आप ही के व्यू पर हूँ सर। बहुत अच्छा। अगर ऐसा है तो कुछ गा के सुनाओ हम सबको, बहुत लोग तुमको सुन रहे हैं यहाँ पे इस वक्त। श्योर सर, श्योर सर। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। सर आपको देख के लाइव में आपके सामने गाना, मतलब जान निकल गई है। बट कीप इट अप, दिल से सीखो। अगर तुम मुझे ओके, चाहते हो, मुझे प्यार करते हो और म्यूजिक को प्यार करते हो, तो तुमको दिल से सीखने की जरूरत है। श्योर सर, श्योर सर, मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा, बहुत आगे आऊंगा, सो एक आध बार आपको लाइव मिल पाऊ। गौरव अंता में देखा था सर लाइव आपको, मतलब 5 फीट की दूरी में थे, तो अरे मतलब मेरी तभी भी जान निकली हुई थी, अभी भी ऐसा ही है। आई विश तुम्हारी जान ना निकले, तुम्हारी जान, तुम कितने अच्छे दिखते हो। बहुत बहुत अच्छी बात है यार, तुम बस हार्ड वर्क करो और अपना म्यूजिक आगे रखो, म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा। और ये बताओ, तुमने यूपी दा को सपोर्ट किया, हाँ मेरी टीम को सपोर्ट किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर हाँ लिस्ट भी निकालोगे ना, पहला नाम मेरा आएगा सर, उसी में मैंने मिस कॉल कर दिया, 3-2-4 सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी तुम्हारे दोस्त लोग हैं मोहल्ले में, जितने भी लोग हैं, प्लीज उनको बोलो कि हमारी टीम को सपोर्ट करें। अरे सर, मेरे फ्रेंड्स है ना, सबको पता है कि मैं अंकित यंग हूँ, मैं पूरा, मेरे जितने भी फैंस है, करीब करीब मेरे 50-60 फैन हो गए, गुजरात से बात कर रहा हूँ सर जी मैं, तो मेरे उतने तो फ्रेंड हो गए। और मेरा नाम है सर जी दर्शक छाया, ये कहीं ना कहीं तो आपको नाम दिखाई दर्शक, देगा, आपका पेज है। हाँ, तुमने हाँ तुमने बहुत बारी, यस 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 यस, मैंने देखा है तुम्हारा नाम। आई थिंक तुमने मेरा कोई पेज भी बनाया है, हाँ फैन पेज। हाँ बिल्कुल आपने कोई सर, पेज तो लिया? मैं उसका एडमिन भी हूँ, यस, और मैं और मेरा ब्रदर दोनों जुड़वा है सर। अच्छा। तो गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इन्होंने एक मेरा फैन पेज बनाया है। मुझे हाँ मतलब काफी वक्त से है और मैं पहली बार इनको देख रहा हूँ, तो आप फैन पेज का नाम बता दो जी सबको। सर। सर जी थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ जो फैन पेज है ना हेलो, आपका, उसका नाम बता दो सबको, तो पता चले कि वो आपका पेज है। उसका नाम है सर अंकित तिवारी एंड अरिजीत सिंह म्यूजिक प्रोजेक्ट। एक्चुअली सर उनके पीछे के थोड़ा ये है, अंकित यन मैं हूँ, अरिजीत यन दर्शन है, तो मैं और दर्शन दोनों जुड़े हुए हैं, तो अरे दोनों का वाह, पेज चलाते हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सबने सुन लिया, थैंक यू सो और मच। थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, माय माय म्यूजिक एंड लविंग हाँ मी। लास्ट थैंक यू थैंक यू। और वोट करने के लिए भी दिल से में थैंक्स। तो चुना देना प्लीज सर। हाँ हेलो हाँ सर, बोलो बोलो, लास्ट क्या में कह कुछ रहे हो सुना आप? देना प्लीज, मेरा नाम प्लीज। आपको गाना सुनना है कोई ओके सर, हाँ लास्ट में आवाज? सर मेरा नाम लेके प्लीज सर, दर्शक। दर्शक दर्शक दर्शक, दिस इज फॉर यू।
इतना इतना चाहने के लिए जब आप इतना मुझे प्यार कर रहे हैं तो स्पेशली ये आपके लिए ही है. आपको आपको लगता कि मैं कुछ गाऊं जो आप चाहते हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ इश्क मुबारक हो जाए सर एक बार. ठीक है ठीक है. हाँ वो एक्चुअली आप दोनों भाई के लिए जाएगा क्योंकि उसमें म्यूजिक किया है मैंने और अरिजीत ने गाया है, कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी गाया है उसमें, तो आप दोनों भाइयों के लिए परफेक्ट जाता है. चलो ये गा देता हूँ मैं. और सर तेरी बातें भिगाए मुझे, तेरी हवाएं बहाए मुझे, पाँव तले मेरे जमीने जल पड़ी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं. आ मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है. मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है. थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय. थैंक्स, बाय, टेक केयर. क्या बात है, मजा आ रहा है यार, बहुत बहुत मजा आ रहा है. और जैसे कि ये काफी अच्छा लगा मुझे कि सामने से एक गाना बोला वो मैं गा पाया, क्योंकि खुद सोचने पे ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि मैं क्या गाऊं क्या ना गाऊं, तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे. अभी मैं किसी और के साथ लाइव जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने अभी जस्ट क्लिक किया है, अब कौन आने वाला है ये पता चल जाएगा, या मैं खुद सर्च करके आपका नाम ऐड करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है लिटरली. हेलो, दिखाओ, इतना क्या शर्मा रहे हो. हाय. हेलो सर, हाय, कैसे हो? नमस्ते सर. नमस्ते, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपने सपोर्ट किया यूपी दबंग्स को. बिल्कुल सर, 99,30,324 याद भी हो गया. कहाँ से हो तुम? मैं सर ओरिजिनली कानपुर से ही हूँ. और अच्छा. आप एक बार, पता नहीं आपको शायद याद होगा नहीं, पर एक बार मैं एक फंक्शन में आया था बैंक ऑफ बड़ौदा की, जहाँ पे आपके फादर साहब भी थे और उन्होंने मतलब काफी मुझे अप्रिशिएट भी किया था, उनके लिए मैंने गाना गाया था एक, और एक ऐसे ग्रुप ग्रुप का फंक्शन था एक, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की फंक्शन आपको पता ही होगा कि होते रहते हैं. किसी ने मैसेज किया है नीचे अभी, तुमको देख के लिखा है प्रीतम दा. सर बहुत लोग, प्रीतम दा, अरिजीत सिंह और मिथुन और अमाल मलिक, पता नहीं क्या क्या बोलते थे लोग. बिकॉज ऑफ योर दाढ़ी एंड ऑल. बिकॉज ऑफ माय बियर्ड. सर मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, एक्चुअली मैं आपके पिछले लाइव सेशन पे भी आया था जब आप लास्ट टाइम, आप बहुत कम आते हैं लाइव. आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रियांकित. प्रियांकित, प्रियांकित, यस सर. हाँ प्रियांकित, क्या है कि मुझे जो रिक्वेस्ट आती है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किसी और को कैसे ऐड करूँ. नहीं सर, वही मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता था. हम लोग एक्चुअली लाइव सेशंस करते रहते हैं तो आप थोड़ा कम आते हैं यूजुअली लाइव, तो आपके लिए मुझे हो सकता है आपको उतना ना आइडिया हो इस चीज का, बट आप किसी भी कमेंट पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं किसी को भी. जैसे कोई भी बोलता है ऐड मी, तो आप उसके कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा गो लाइव विद, तो वो आप गो लाइव विद पे क्लिक करेंगे तो आप उसके साथ लाइव चले जाएंगे. आप तो मैं जैसे आप जब कटेगा तो मैं ट्राई करता हूँ, जो भी होगा जिसने लिखा होगा मैं क्लिक करूंगा. आप बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी म्यूजिक डॉट प्राची का कमेंट दिख रहा होगा आपको अभी. नहीं, आपकी लिखा आपकी विंडो में कुछ अलग अलग चल रहा है, मेरी विंडो में अलग चल रहा है. कुमारी का आया है अभी, और मुखर्जी है, किशोरी का आया है. किया किया बात है जी, मतलब सॉरी उनका वो थोड़ा 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 डिफरेंस चल रहा है आई थिंक आपके और मेरे कमेंट्स में. खैर, तो आप किसी भी कमेंट पे क्लिक करके आप उनको ऐड कर सकते हैं गो लाइव विद पे क्लिक करके.
तो ये काफी इजी हो जाता है, बार बार रिक्वेस्ट सेशन में उसमें जाना सेक्शन में और उसपे जाके ऐसे करना। जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या लिख के आएगा? उसमें तीन चार ऑप्शन आएंगे सर, पिन कमेंट और गो लाइव विद, ऐसे करके तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप उस पे गो लाइव विद पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर्सन को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से, कि अगर उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी होगी, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी होगी तो वो आप ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेंगे गो लाइव विद पे क्लिक करके। डन, ऐसा होता है। पर सर आपका मैं एकदम ठीक हूँ सर। आपका थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, मतलब उसको वायरल होने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत वायरल है गलियां का, जब आपने उसमें शोले वाली बाइक पे बैठ के गाया था सर, बहुत ही अच्छा था वो, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मतलब उसमें एनर्जी। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शो है, ये इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, ये पूरा लाइव है, हम लोग चीट नहीं कर रहे हैं इसमें, और बिल्कुल हाँ लाइव गा रहे हैं, संभाल के गाते हैं, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते हैं, चाहे मेरा गाना है चाहे वो किसी का गाना है। तो ऐसी चीज में जब यू नो अप्रिशिएट होती है चीजें तो बेहद अच्छा लगता है। और कल का भी जो गाना मैंने गाया उसके लिए भी बहुत प्यार मिल रहा है। अब वो बिल्कुल वीडियो कहाँ तक पहुँचता है, गाना कहाँ तक पहुँचता है, ये तो यू नो जितने भी नहीं सर, हम सबका सपोर्ट है, चाहे वो मतलब सिर्फ यूपी वाले हों चाहे कहीं के भी हों। मतलब मैं तो फिलहाल अभी मुंबई में रहता हूँ, बट दिल से तो यूपी के ही हैं, कानपुर के। तो हमेशा से सपोर्ट रहा है आपको, शुरू से ही, जब से मतलब आपके गाने आए भी नहीं थे उससे पहले से भी सपोर्ट रहा है आपको, और अभी भी करते रहेंगे। एंड मेरी सिस्टर उसी बैंक में मैनेजर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, वहीं पे ही। ओके, कानपुर। हाँ, कानपुर में ही। तो उनके थ्रू मेरी लिंक बना था, मतलब जान पहचान हुई थी थोड़ी सी। अच्छा। तो सर इफ यू डोंट माइंड, मैं दो लाइनें आपके सामने सुना सकता हूँ कुछ, इफ यू डोंट माइंड। सुना दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप प्लीज सुना दो। बिल्कुल। तो सर मैं एक्चुअली शायद ये मौका पता नहीं मिले ना मिले अगली बार लाइव पे आने का, तो मैं चाहता तो था कि मैं आपकी कोई कॉम्पोजिशन गाऊं, बट मैं यूजुअली सारे लाइव्स पे जाके एक चीज करता हूं, तो मैं वो चीज आपको थोड़ी सी पेश करना चाहता हूं। प्लीज, बिकॉज़ आई एम सुनाओ ना। यस, तो दिस इज द ए आर रहमान सर की कॉम्पोजिशन है सर ये, एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड लुक्का छुपी। ऑफ कोर्स। क्या बताऊं मां कहां हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिकर उड़ रही है माँ, डोर कोई लुटे नहीं बीच से काटे ना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आजाना तेरी राह तक ये अखियां, जाने कैसा कैसा होए जिया तेरी राह तक ये अखियां, जाने कैसा कैसा होए जिया, धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा मेरा दीप कहाँ, ढल के सूरज करे इशारा चंदा तू है कहाँ, मेरे चंदा तू है कहाँ, लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सरप्राइज था, वेरी गुड यार, तुमने वोकल
गाते गाते जो तुमने एक स्विच किया है मेल से फीमेल में, बहुत बहुत अच्छा था, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर. कम लोग कर पाते हैं और तुमने बहुत अच्छे से किया उसको. थैंक्स अ लॉट सर, इट मींस अ लॉट. और आपके साथ लाइव आना मतलब, एक स्क्रीनशॉट ले सकता हूं मैं सर, इफ यू डोंट माइंड? जल्दी से ले लो. थैंक यू सो मच सर, एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड वी ऑल आर इन सपोर्ट ऑफ यू every time. Thank you so much. Thanks. Sir, if you don't mind, bye. You can add music.prachi from the comments. Music.prachi or Shubham Bali official are commenting. So, you can click on their comments and add them to their comments. I'll see you now. Thank you so much, sir. Have a good day. Bye. Take care. Bye, sir. This is good. Now, I'll see who I can add. अभी मुझे पता चल गया है, आई थिंक ये वर्क करेगा. ओहो, कैसे जाऊं. अगर मैं इनको करता हूं क्लिक तो क्या होगा? लाइव वीडियो, ये हाइड क्यों आ रहा? हाइड लाइव वीडियो फ्रॉम, क्लिक करके देखते हैं क्या होता है. नो, बॉस नहीं हो रहा है. रिपोर्ट कमेंट पिन मेरे को नहीं आ रहा है जैसा उन्होंने बोला, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है. हाइड लाइव वीडियो, मुझे जो मैं वीडियो पे हूँ वो हाइड हो जाएगा अगर मैंने क्लिक कर दिया तो. बाकी रिपोर्ट कमेंट पिन कमेंट नहीं है, सॉरी है. सो गो लाइव विद, मैंने किया है अभी. हाँ देखते हैं. कोई लाइव है? नहीं है. एक ऑप्शन आया था गो लाइव विद, बट मैंने उस पर क्लिक किया. लॉन्ग प्रेस, गो लाइव विद समवन, मैंने जस्ट क्लिक किया है, अब आना चाहिए. यार नेक्स्ट टाइम ना ये मैं सीख के आऊंगा. अब सीख भी कैसे सकते हैं, आई थिंक लाइव में ही सीख सकते हैं. मैंने दो बार क्लिक किया गो लाइव विद बट हुआ नहीं. फिर तीसरी बार किया है किसी को. हाय, तो ये मैंने ऐड किया कि आपने? हाय सर. हाय सर, आपने ऐड किया? हाय, मैंने किया. सर हेलो, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? हेलो, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी और को ऐड करते हैं. हेलो सर, आपका नेटवर्क, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम. हाय हाय सर. हाँ अंजलि. हाय अंजलि. हाय सर, कैसे हैं आप? बता नहीं सकते कितने, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे. बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब आई कांट एक्सप्रेस कर दो ना यार, कम ऑन. मतलब तब जाकर ऐड हुए हैं, मतलब बता नहीं सकते सर. आई एम फ्रॉम यूपी. तो आपने मेरी टीम को सपोर्ट किया?
सर अभी आपने जस्ट बताया, आपने वो जो कॉलिंग नंबर मैंने नोट कर लिया है, अभी बस बस लाइव के बाद तुरंत उस पर मिस्ड कॉल कर दूंगी। 8 बजे तक का वक्त है, आप जरूर कर दीजिएगा। श्योर सर, श्योर। आप लोग वोट करेंगे तो हमारी टीम आगे जा पाएगी, सो प्लीज वोट फॉर माय टीम। और बताओ, और कुछ कहना है जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, मैं बहुत लोगों से बात करने के मूड में हूँ। सर एक सॉन्ग आपके साथ प्लीज, मैं भी मतलब मैं गाना चाहती हूँ। हाँ जल्दी से गा दो, स्टार्ट करो सर। यही डूबे दिल मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर, बाय 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 बाय। आपको कट करना पड़ेगा। यस चलो, अब किसको ऐड करना चाहिए? मैंने अभी फिर किसको क्लिक किया। लेट्स सी। हाय सर, हाउ आर यू? ग्रेट, मैं सीख गया। आई होप दैट यू कैन सी मी एंड आई एम ऑडिबल एज वेल। या ऑफ कोर्स। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज प्राची सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हाय प्राची, हाउ आर यू? हाउ आर यू सर? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? I'm good. I have already मैंने आपकी sorry आपकी team के मैंने आपकी team को support करा है live सुनते सुनते from the other mobile। बड़ा तो दिल्ली से है। मैंने नहीं करा, I'm from Delhi, लेकिन मैंने उनको भी वोट करा है because उसमें जो वो है नेहा मैम है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, so I've voted for her as well। उनकी team को भी मैंने वोट करा है, बट देन यूपी को भी करें। नेहा को मैं बोलूंगा जरूर कि आप, आपकी एक फैन मेरे इंस्टा लाइफ पर टकरा गई थी मेरे साथ। सर मैं आपको गलियां का अंतरा सुना सकती हूँ? आप सुनाइए प्लीज। तू मेरे नींदों में सोता है, हो तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है हवाओं में, तू ना हो फिर भी तू होता है, सिला तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं हैं, हो तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, वाह वेरी गुड। ये गाना मुझे लगता है मैं जितनी बार भी मैं कहीं पे भी गई हूँ, ये वाला गाना मुझे लगता है 1 साल तक लगातार जिसने भी बोला मुझे कोई 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 सॉन्ग सुनाओ, गलियां वाज द ओनली वन सॉन्ग जो मैंने मुझे लगता है 1 साल लगातार गाया है हर जगह। अरे वाह, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कोशिश करता रहूंगा और अच्छा अच्छा म्यूजिक बनाऊं और आप लोगों को सुनाऊं। यस थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। क्या बात है, और बताओ और बताओ और बताओ, क्या करें अभी? कोई गाना वाना बताओ, क्या गाया जाए?
हाँ चलते चलते करता सलाम आखरी, रब से अब तो मांगू बस दुआ यही, हम फिर ना मिले कभी, हम फिर ना मिले कभी, हम फिर ना मिले कभी, फिर ना मिले कभी। कितने लोगों से बात कर ली, मजा आ गया, और अभी तक मतलब मुझे भरोसा है आप पे कि आप सबने वोट किया होगा। नंबर है 993 4 times 0 3 2 4। फिर मैंने किसी को ऐड किया है अभी। मेरे ऐड करने के बाद बहुत टाइम लेता है, आई थिंक वो ऐड नहीं हुआ जो भी थे। ना मेरे डरती है तो पूछो तुम्हारे बिन। हाय तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही सर, बहुत कम आ रही है। बोलो बोलो जल्दी जल्दी सर। आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो आपने भाटखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? सर मैं वहां से क्लासिकल सीख रहा हूँ। मैंने बहुत वक्त पहले वहाँ परफॉर्म भी किया है। अच्छा सर, एक्चुअली मैं अभी 3 साल से सीख रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा वेरी गुड, तो आपने हमारी टीम को सपोर्ट किया, यूपी टीम को सपोर्ट किया? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन तुरंत मैं करूँगा। अब मैंने आपका नंबर ले लिया। मैं नंबर ले लिया है, ग्रेट। सर अभी आपका एक एल्बम आया है, कुछ 2 महीने पहले एक आपका एल्बम आया था मेरे बिन। हाँ, कैसे रह लेते। यस, कैन आई सिंग फॉर यू? जल्दी से। कभी कभी अकेले में मेरी याद तो आती होगी, तेरे कानों में मेरे रोने की आवाज तो जाती होगी। हाँ, दोनों हाथ पकड़ के तेरे ख्वाब मेरे रोए होंगे, कौन से झूठ से बोलो। हाय रूबिका, समझाती होगी। हाँ, मर जाऊं किसी तक गया दिन रात ये गिन, से रहे यार मेरे, ऐसे रहते। वेरी गुड यार मेरे, थैंक यू सर। तो आपको ये गाना पसंद है? सर बहुत पसंद है, मैं एक्चुअली इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा कवर बना के। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। चलो अच्छा लगा तुमसे मिलके, बाय। एक गाना सर आप सुना दीजिए। मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आपकी आवाज इतनी कम आ रही है ना कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बाद में जब कट होगा ना मैं एक ही बार में कुछ गाने सुना दूंगा, ठीक है? तू है के नहीं, चल बाय, थैंक यू। आपको कट करना पड़ेगा। ये कट नहीं हो रहा, करना पड़ेगा। ओके सर, बाय बाय। वाओ क्या बात है,
अभी मैं और देखता हूँ, चलो अभी कुछ गाने वाने हो जाए, बहुत बात कर ली, अब आप बताओ क्या गाऊं। साथ में बहुत ओके रुला दिया उत्कर्ष। दर्द वो काफी ना था जो दर्द देने आए हो, सांसें ही बची है मुझ में, क्या जान लेने आए हो। किस्मत ने क्यों हमको मिला दिया, हमको रुला दिया, हमको रुला दिया, फिर से आज यारा ये दिल दुखा दिया, हमको रुला दिया, हमको रुला दिया, फिर से आज यारा मेरा दिल दुखा दिया। शेफाली हाय, कैसी हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, मैं सीख रहा हूँ लाइफ पे क्या कैसे। आई वाज जस्ट वाचिंग योर लाइव। अच्छा, तो मुझे तुम नजर आई तो मैंने क्लिक कर दिया। कैसे हो? अभी नोटिफिकेशन आया बिकॉज़ आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुमने सपोर्ट किया यूपी दबंग्स को? मैं तो यूपी की हूँ तो सपोर्ट करूंगी फॉर श्योर। ग्रेट। ये शेफाली है, ये कानपुर से है, मैं इनको बहुत वक्त से जानता हूँ गाइस, और ये बॉम्बे में रहती है मेरी, और बॉम्बे में मिल नहीं पाते हैं। हाँ, हम लोग बाहर ही मिलते हैं कहीं ना कहीं, मतलब आउट ऑफ मुंबई मिलते हैं। I think she is, हम दोनों busy हैं अपने अपने काम को लेके, वो भी busy है, मैं भी busy हूँ। और तुम क्या करती हो शेफाली, बता दो सबको। So currently I'm working with 9XM channel as a podcaster and मेरा show चलता है 9XM song secret and उसमें हम songs के पीछे के secrets की बात करते हैं। जितनी खूबसूरत आवाज आप सुनते हैं वो इनकी ही होती है उस शो पे। How sweet. और उतनी ही अच्छी दिखती भी है, उतनी प्यारी दिखती भी है, और बहुत देखो मैंने अभी फिल्टर लगाया हुआ है तो थोड़ा सा मैं अच्छी दिख जाऊं। ऑलराइट। सो और कैसा चल रहा है आपका शो? मेरा शो अच्छा चल रहा है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि यू नो सब जितने लोग भी हैं वो सपोर्ट करें, क्योंकि यार मेरा पहला डेब्यू है टीवी का एक तरह से देखा जाए तो मेरी कोशिश है कि जितने भी लोग वोट देंगे मेरी टीम उतनी आगे बढ़ेगी, और मैंने जो कुछ भी प्लान किया है अपनी टीम को लेके वो मैं आगे कर पाऊंगा। सो एंड आल्सो आप सॉन्ग्स के साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, मतलब आई रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब हम लोग स्टूडियो में मिले थे तो यू वर टेलिंग मी कि ये गाना किसी एक इंस्ट्रूमेंट में यू वर क्रिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वो सीक्रेट है अभी। बट आई थिंक यू ट्राई टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यू नो आप बहुत डिफरेंट चीजें ट्राई करते हो अपने कम्फर्ट जोन से निकल के, विच इज वेरी नाइस। तो आई थिंक इस शो पे मैं वो सब कर पाऊंगा बस। नो डेफिनेटली, बिकॉज आपके गाने ऐसे हैं कि वो आज भी हैं, कल भी हैं, हमेशा रहेंगे, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज यू आर माय फ्रेंड, लाइक इन जनरल आल्सो बिकॉज या थैंक यू। तो ये गाना तो गाइस मेरे लिए, प्लीज बताओ तुम्हें क्या सुनना है। मुझे तेरी गलियां सुनना, एंड एक्चुअली मेरा एक जो प्रकृति के साथ आपका गाना था ना, इट वॉज वन ऑफ माई कतरा कतरा कचरा कचरा में बस क्या होता है कि वो फीमेल कोई होती नहीं है मेरे साथ आसपास, तो मैं कैसे गाऊं। चलो बट मैं गाता हूँ। सो वेल पल्लवी अभी है नहीं यहाँ पे, वरना मैं उसको बुला लेता। सो दैट इज व्हाई आई कचरा। हाँ ओके। इस तरह से मुझसे
मुझको जोड़ तो थोड़ा सा मुझ में ना, मुझको छोड़ तू ना, याद तेरी तुझको ना, याद मुझे हूँ मैं ही भूल रहा हूँ अपना गाना। आ मुझको पहन ले तू, आ तुझको ओढ़ लूँ मैं, कतरा कतरा मैं गिरूं जिस्म पे तेरे रह लूं, कतरा कतरा मैं गिरूं तुझ में ही कहीं रह लूं। What a beautiful song it is. पता है, I remember I was in Kanpur जब ये गाना release हुआ था, एंड उस टाइम पे मैं आरजे थी रेडियो मिर्ची के साथ। सो हम लोग आरजे को थोड़ी सी लिबर्टी होती कि जो जो आपके फेवरेट सॉन्ग्स है वो अपने शो में प्ले कर सकते हो। सो जब ये गाना रिलीज हुआ था, फॉर गुड वन और टू वीक्स मैंने ये गाना अपने स्टेशन में, मतलब अपने अपने शो के टाइम पे आई यूज्ड टू ड्रैग दिस सॉन्ग एंड आई यूज्ड टू प्ले की। तो मेरे मेरे बॉस कहते थे कि तुमको ये गाना तुम्हारे शो में हमेशा क्यों बजता है। मैंने कहा आई जस्ट लव दिस सॉन्ग सो मच। यार मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं करूँ, और आई थिंक आगे करूंगा। सो थैंक यू शेफाली फॉर लविंग मी एंड माई सॉन्ग्स, माई वर्क एंड एनीटाइम फ्रेंड, थैंक यू बहुत सारा। तो आप जल्दी मिलो, हमको कुछ रिकॉर्ड भी करना है। सो या लेट्स कैच अप। आई नो एंड ऑल द बेस्ट। मेरा और शेफाली, हमारा और शेफाली का एक इंटरव्यू बाकी है गाइस होना, जो बहुत जल्दी हम करेंगे और बहुत जल्दी आप सुनेंगे उसको, देखेंगे भी आप कि वो वो वीडियो इंटरव्यू एक्चुअली है ना। यस या वीडियो एंड ऑडियो बोथ। ओके श्योर। I mean, सुनते तो रहते हैं तुमको, लोग तुमको सुनते रहते हैं। इस बार मैंने इसको बोला है कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, हम दोनों एक दूसरे को मतलब बैठ के कहीं आराम से, ताकि वो भी दिख रही, इतनी खूबसूरत लड़की है ना, दिखना जरूरी है। तो यस, ऑलराइट शेफाली, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर शो एंड यस दीपी, या यूपी दबंग रॉक्स, यूपी दबंग, यस यूपी दबंग, या बाय, टेक केयर, बाय। क्या बात है, बहुत 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 मजा आया। अभी किसको ऐड करें? वाओ वाओ, टू मच रिक्वेस्ट। अब मुझसे देखी भी नहीं जा रही है क्योंकि मुझे पता नहीं है। सिंपल अब है सामने, उसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, दुनिया छोड़ दूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धड़कन नहीं जाना, जिंदा हूं मैं तो अभी। चलो अभी मैं वापस से आपको नंबर बताता हूँ, समय बताता हूँ, आज शाम 8 बजे तक का ही समय है और आपके वोट्स की बहुत बहुत जरूरत है। नंबर है 9934x0324। आप जितने ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना ही यू नो हमारी टीम आगे जा पाएगी और
प्यार मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वोट करें और हमारी टीम को आगे ले जाएं, और हम हमारी पूरी कोशिश रहेगी। कोशिश क्या, हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा म्यूजिक ही सुनाएंगे। अगर आप मुझे जानते हैं, मेरे म्यूजिक को समझते हैं, और आज तक जो भी मैंने किया है वो म्यूजिक आपको कहीं ना कहीं पसंद आया है, तो मेरा प्रॉमिस है कि जो आपकी सोच है, जो आपकी थॉट है, उस पर खरा खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी और हम उतर के दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच यार फॉर ईच एंड एवरीथिंग टीम यूपी दबंग स्टॉक। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, करीबन 1.25 घंटे में भी 1.5 घंटे तक हम लोगों ने बातचीत की है। आज संडे था, घर पे था, तो वक्त मिल गया मुझे। मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि इतना वक्त मिल जाए, बट हाँ आज मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ज़्यादा बातें हो तो ही चीज़ें समझ में आती हैं, वरना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ। और मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना लंबा सेशन रखा जाए। चलो आप किसी से फिर बात करते हैं। हेलो जी, कौन? अरे वाह, आधे ही काट दिया, इतना बुरा? इतने बुरे लगे हम आपको कि आपने आते ही कॉल काट दी। अभी बताइए क्या गए? पुराना गाना गाता हूं। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का, चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए तो इसे कौन बुझाए, हाँ तो उसे कौन बुझाए। बेहद पसंद है गाना मुझे। हजारों में मिलेंगे, बहाओं हवाओं में बहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा पागल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर जैसी मिली है एक राजा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे ये मिटाना,
कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। ये भी गाना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ये बताइए अभी मैसेज करके कि कितने लोगों ने अभी जितनी देर तक हम लाइव हैं कितने लोगों ने यूपी दबंग्स को वोट किया। अरे हाय, ये भी कमाल है। हमें तुमसे प्यार कितना, ओके पूरा मुझे लिरिक्स याद नहीं है। ओ हमें तुम, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते निशा के बिना। हाय निशा। हाय, हाउ आर यू? स्ट्रगलिंग हार्ड फ्रॉम लाइक इट इज नॉट कनेक्टिंग, पता नहीं क्या हो रहा है। हाउ आर यू? सोना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने ना 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 दरारा, जिंदगी लगे अब तो बरस के टडा, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, मुझे मैंने लिरिक्स बीच में खा गया, मैं अच्छे से याद नहीं थे, बट किसी ने बोला था तो मैंने कंप्लीट कर दिया। और बताओ कैसी हो निशा? आई एम गुड, स्ट्रगलिंग हार्ड, मैं कनेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी। एक्चुअली टुडे इज आवर फाइनली, हमारा आज फाइनली, अच्छा क्यों संडे आज तो? या फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, संडे टू थर्सडे इज वर्किंग। तो फाइनली मैं तुमसे मिला, और मैं जब भी लाइव आता हूँ तो तुमसे मैं जरूर मिलता हूँ, क्योंकि yes. मुझे पता है आप मुझे बहुत चाहते हैं, आप मुझे बहुत सपोर्ट भी करते yes. हैं, सो थैंक यू। बट निशा आपने वोट किया हमारी टीम को? यस, विद 10 डिफरेंट नंबर्स। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। बट इंटरनेशनल नंबर, विद माय इंटरनेशनल नंबर इट इज नॉट वर्किंग। मे बी क्योंकि ये इंडियन प्रो म्यूजिक लीग है, तो इंडिया के ही वोट यू नो काम पे आएंगे। बट थैंक यू। अच्छा अच्छा, कैसी हो तुम? नंबर दे दिया है। आई एम गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छी लग रही हो, घर पे कैसे सब? बात इतनी नहीं हो पाती है, बहुत कनेक्शन प्रॉब्लम। तुम कहाँ पे हो अभी? तुम कहाँ पे हो? दोहा। ओह, मुझे लगा तुम दिल्ली में हो। नो, सो यार कमिंग हियर। अच्छा नहीं अभी तो नहीं, क्योंकि दोहा में मेरा एक शो होना है, बट ऑफ कोर्स वो डेट पे सब कुछ 3-4 बार लॉक होके वापस से रीशेड्यूल होता जा रहा है, बट क्योंकि क्योंकि अभी अभी परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। वन ऑफ माय फ्रेंड अंकित सुडानीज है, रीम, शी इज बिग फैन ऑफ योर्स एंड शी सिंग्स दिस सॉन्ग लाइक माशाल्लाह, शी इज लाइक थेरी गलियां गलियां, मतलब शी लव्स योर सॉन्ग। And now she is sleeping. Otherwise, मैं उससे बात कराती। She is diehard fan. उसको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना। और definitely हम जब भी वापस से
वीडियो चैट करेंगे तो हम वापस से बात करेंगे उससे, ठीक है? Sure. Everything is okay. Your health? All good, यार. All good. संडे घर पे? 10-10 नंबर्स तो मुझे लगा 5-5 टाइम्स मिस कॉल जा रही है. अरे थैंक यू यार, बहुत दिल से थैंक्स निशा, थैंक्स. मैं बार बार बताता हूँ और मैं फिर से बता देता हूँ, निशा मतलब मैं क्या बोलूँ, वो मुझे बहुत बहुत मानती है और उसके लिए मैं उसको थैंक्स बोलता हूँ हमेशा, बड़ी वाली, क्योंकि ये बहुत अनकंडीशनल. सो निशा थैंक यू सो मच यार, आई विश कि तुम ऐसे ही यू नो मुझे सपोर्ट करती रहो, और मैं ऐसे ही लोगों का, मैं अगर लोगों का दिल जीत लूं तो ये मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ी मेरी क्या बोलते हैं सबसे. आपने परफॉर्मेंस देखी सब? मैंने यूट्यूब पे सारी देखी, बिकॉज़ टीवी पे तो हो नहीं पा रहा है, यूट्यूब पे सारा आज चल रहा है. तो ग्रेट, यू आर रॉकिंग द स्टेज एंड योर अटायर ऑसम, थैंक यू. और गाना तो एकदम स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस. Thank you. It means whatever the song you are selecting na, it suits your voice a lot. मतलब एक ना होता है वो दिल से आती है आपकी आवाज़. It's like. नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं वो गाऊं जो of course सब सुनना चाहते हैं, और वो भी गाऊं जो 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 थोड़ा अलग अलग तरीके के गाने, जैसे मैंने अफगान जलेबी गाया था, वो अलग सा कुछ ट्राई किया था मैंने, ट्विस्ट गाया था, तो ऐसे आगे भी बहुत सारी प्लानिंग है कि वो तो गाऊं जो of course मैं गाता हूं, और वो भी गाऊं जो थोड़ा अलग हो, कोशिश रहेगी. तो आई मीन यह सब इसलिए मुझे बहुत सारे ये वोट्स और सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं आगे अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस दे पाऊँ. पर निशा बहुत बहुत अच्छा लगा, और अभी मैं किसी और से भी बात करता हूँ. आई वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम, मैं मुझे लगा अगर स्कूल में आपने ज्वाइन कर लिया, मैं अगर ज्वाइन हो गई लाइफ में, तो मैं तो सिर्फ बस ऐसे ही कर पाऊंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं. नहीं नहीं आप, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा. दोहा में है ऑफ कोर्स, सच में मुझे आना है, बट वो जब भी होगा ऑफ कोर्स मुझसे पहले आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप दोहा में. इन ऑस्ट्रेलिया? हां, इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया मैंने लास्ट, पता नहीं, मैंने किया था लास्ट ईयर, आई मीन कोविड के पहले. अभी सब जगह सब कुछ बंद है, अभी इतने शोज नहीं हो रहे, तो जब भी होंगे तो definitely मैं करूंगा. Okay. आपका Zomato ऑर्डर आया है क्या निशा? No. किसने लिखा है नीचे? उसका मतलब ये है कि जल्दी से आप जाओगे तभी कोई दूसरा आ पाएगा. यहाँ पे Zomato नहीं चलता, यहाँ पे Zomato okay. नहीं चलता. ओहो हो. ओहो. फिर लिखा किसी ने बर्तन ही? बर्तन कौन धो रहा है, ये भी किसने लिखा है? मतलब लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी से जाओ. listen, मैंने कल रात में खाना बना लिया है और सब कुछ रेडी है, तो मुझे सिर्फ खाना. अभी किसने लिखा है? तो खैर सब अपनी अपनी अलग अलग बातें लिख रहे हैं. Somebody wrote 50% नेट उड़ गया है. Don't worry, Wi-Fi connection is there. ये कहीं से कोई आवाजें आ रही हैं, I don't know क्या हो रहा है. But चलो भाई, एक बार हमको भी ऐड कर लो यार, मेरी पूरी कोशिश है, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे. और ओके अंकित, ऐड अदर्स आल्सो, दे आल्सो वांट टू कनेक्ट विद यू. मैं ऑफ कोर्स मैं आई फॉलो यू इन माय ड्रीम्स एंड आफ्टर बिकमिंग भूत टू, सो डोंट वरी. अरे नहीं, तुम ऐसे अच्छी हो, भूत भूत मत बनो. ओके बाय. सो नेक्स्ट टाइम विद माय सुडानीज फ्रेंड टू. पक्का डन. ओके. Take care. Right. Take care of your health. Bye. Stay safe. और चक दे फटे, जीत कर ही आना है. Definitely. आप लोग का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही. ठीक है? Okay. Bye. Bye bye. Bye. Love you. Bye. Now, अभी कौन है मेरे साथ? Da 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 da. Oh
सुनिए सुनिए जे तेरे ओ हाय 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 हेलो सर हाय हाय बिग फैन सर थैंक यू कैसे हैं आप बढ़िया सर मैं बढ़िया हूँ सर बहुत बड़ा फैन हूँ और सर मैं अपनी स्कूल लाइफ की एक बात बताना चाहता हूँ आपको जरूर सर 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 मैं गिटार बजाना मैंने स्टार्ट किया था 12th में और मेरे प्रिंसिपल जो थे उनको बहुत अच्छा लगा था तो उन्होंने एनुअल फंक्शन में हमें कहा था कि मतलब एक कॉन्सर्ट या तुम लोग कुछ ऐसा करो हाँ. तो सर मेरा सर ड्रीम था उस टाइम आशिकी 2 मैंने देखी थी तो मेरा ड्रीम था सर मुझे आपकी तरह एक तो गाना गाना था सर सर मैंने सुन रहा है सॉन्ग गाया था और सर वो मेरे लाइफ का बेस्ट पार्ट था आपने परफॉर्म किया वो मतलब वेरी गुड या सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर आप ही से इंस्पायर हुआ हूँ सर अरे ये तो मतलब आपका प्यार है और थैंक यू सो मच और आई विश कि तुम ऐसे ही अच्छा अच्छा म्यूजिक करो और बहुत आगे जाओ यार अब मुझे बताओ तुमने सपोर्ट किया बिल्कुल सर मैंने अभी 2 नंबर से अभी आपको मतलब करवाया मेरे और मेरे मम्मा के नंबर चलो मम्मी को भी हाय बोलो मेरी तरफ से और उनका आशीर्वाद मुझे भेज दो अभी अभी यहाँ से बिल्कुल सर सर मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं लाइव हूँ आपके साथ में अरे अरे नहीं क्यों नहीं यार हम सब मिलेंगे नहीं बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा यार है ना यस ओके सर आप अपना ख्याल रखिए और सर पूरा सपोर्ट है सर आपको थैंक यू हम सर यूपी से जौनपुर से है सर जौनपुर से और या मिर्जापुर ने काफी फेमस कर दिया जौनपुर बढ़िया बढ़िया थैंक यू गाइस ओके सर चलो मैं किसी और से बात करता हूँ बाय बिल्कुल थैंक यू बाय सर बाय आपको कट करना पड़ेगा तभी तभी ही हो ओके सर ओके जो भी जितने पल जियूं उन्हें तेरे संग जियूं जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल मैं चुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन क्या गाना यार ना ये भी बहुत अच्छा गाना लगता है अभी मुझे जल्दी जल्दी बताओ कितने लोगों ने वोट कर दिया है अभी के अभी राइट नाउ नंबर मैं बता चुका हूँ मैं वापस से बताता हूँ 9993400324 अब मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने वोट किया यस यस लिख दो या हाय लिख दो हाँ लिख दो मैं कर चुका हूं तरुण थैंक यू तरुण साबिरा थैंक यू आपने भी किया डन सर आयुष पवन दीक्षित आपने भी किया अफजल आपने भी किया पंकज आपने भी किया मिस्टर वाजिद आपने किया विशाल आपने किया थैंक यू विशाल माधव आपने थैंक यू मैं भी कर चुकी राधा थैंक यू एड मी प्लीज थैंक यू शुभम थैंक यू कंचन थैंक यू किंग ऑफ हार्ट्स थैंक यू दर्शन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भोले की दीवानी
अच्छा मैं ऐड कर आपके साथ करना चाहता हूं. थैंक यू. आई एम गुड. दिवाली लाइव कौन है भाई? हेलो. हेलो सर. कैसे हो? प्रणाम सर. सर बिल्कुल ठीक. आप कैसे? किधर से हैं आप? मैं अच्छा हूँ. आप किधर से? हेलो. आप किधर? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सर मैं इलाहाबाद से हूँ. इलाहाबाद से है? अरे तो फिर आपने वोट किया होगा. सर आवाज थोड़ी सी आ नहीं रही है. आप नेटवर्क एरिया में नहीं है. आपने वोट किया होगा फिर तो. आप इलाहाबाद से है ना? आपने तो वोट किया होगा. बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल दिया हूँ. और सर टारगेट रखा हूँ कि 200 समथिंग करवा देंगे सर. अरे क्या बात है. ये हुई ना यूपी वालों की बात. सर पूरा ग्रुप मेरा लगा हुआ है सर. इसमें पूरा ग्रुप लगा है सर. बस बस आप सबका ही सपोर्ट चाहिए. यूपी आगे जानी चाहिए. यूपी दबंग. बिल्कुल सर. सर बहुत अच्छा लगा सर. लेकिन आप नेटवर्क एरिया में नहीं है तो आपकी आवाज मेरी आवाज आपको अच्छे से नहीं आ रही है. हाँ सॉरी सर इसके लिए. नेटवर्क थोड़ा हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है सर. मैं ट्राई कर रहा हूँ इधर उधर भाग के. सही नहीं अच्छा लगा. अभी मैं किसी और से भी बात कर लेता हूँ. ठीक है. बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल. ओके सर ओके. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपको कट करना okay, पड़ेगा. welcome, sir, आपको welcome. कट करना पड़ेगा. चले ले चले तुम्हें. हाय 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 ब्रो. हाउ आर यू? आई एम गुड. व्हाट्स अप? माय नेम इज पारस. हाय पारस. कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बढ़िया. आप बताइए कैसे हैं? इंडियन सिंगर्स. या राइट. आई जस्ट प्रमोट म्यूजिक. प्रमोट सिंगर्स. मैंने देखा आपने मेरा गाना भी प्रमोट किया. हाँ जी. तो जैसे ही आप नजर आए तो मैंने रिक्वेस्ट की. मैंने इमीडिएटली क्लिक किया. थैंक यू सो मच गाइस. मैं बताना चाहता हूँ इनका जो पेज है बहुत अच्छा पेज है. इंडियन क्या नाम है? इंडियन indiansingers.ig. indiansingers.ig. इन्होंने कभी कभी क्या होता है कि आपकी नजर में भी आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है. और इन्होंने मेरे गाने को गलियां आई मीन मैं उसकी बात कर रहा हूँ. अच्छा शेफाली ने लिखा है कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं. अभी मैंने देखा. हाँ जी हाँ जी. हाँ तो मैंने देखा कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 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 मैंने इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में परफॉर्म किया था. गलियां बहुत ही बहुत मतलब सपोर्ट किया और गाना बहुत अच्छे से मैंने भी देखा. अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस देयर वाज रियली. थैंक यू सो मच. शेयर करना तो बनना ही था. फेसबुक पे भी किया हर जगह किया. एंड डेफिनेटली आपकी अभी जो परफॉर्मेंस है रिसेंट वो भी शेयर करेंगे डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. तो ये सपोर्ट आई मीन मिलता है तो बेहद खुशी होती है यार कि आप जेन्युइन म्यूजिक और यू नो अच्छा सपोर्ट करते हो. तो बड़ी खुशी होती है कि चलो अभी अभी भी यू नो म्यूजिक को लोग समझ रहे हैं या जो हम करना चाहते हैं उसको. पारस भी गाता है बहुत अच्छा. शेफाली तुम्हारे राज खोल रही हो. आप पारस गा के सुनाएंगे? अच्छा मैं जरूर सुनाऊंगा सर. क्या मतलब क्या सुनाऊं मैं? मुझे तो वैसे नहीं कुछ समझ आ रहा अभी. आपके साथ अभी लाइव हूं. मुझे नहीं पता. अभी अभी अच्छा. अभी अभी बोला गया है मुझे तो मुझे लगता है कि आपको सुनाना चाहिए. अच्छा पारस सबसे पहले ये बताओ. हां जी सर. कि तुमको मेरी लास्ट परफॉर्मेंस कैसी लगी? सर इट वाज अमेजिंग सुपर्ब. मतलब दैट्स व्हाई वी शेयर्ड इट. बिकॉज वो जो आपने लाइव वहां पे गाया जो इम्प्रोवाइजेशंस थी दैट वाज लिटरली यूनिक एंड अमेजिंग. मतलब मजा आया. जो ओरिजिनल गाना है उससे भी ज्यादा है ये अच्छा लग रहा था वर्जन. बिकॉज ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ही आपका ये. दिस इज रियली सुपर्ब. एंड लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया. दे वाज एक्चुअली शेयरिंग इट. जहां भी बस ये होता है कि लोगों को एक बार नजर आ जाती है वो चीज तो वही चीज हमने की थोड़ा सा. क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि नजर तब आएगी जब आप जैसे लोग सपोर्ट करेंगे. और ऑलवेज जेन्युइन अच्छा म्यूजिक.
तो उसके लिए बहुत मैंने अभी तक सुन रहा तू परफॉर्म नहीं किया, मुझे करना है एक्चुअली, तो मैं करूंगा उसका कुछ. वी आर प्लानिंग समथिंग, यू नो, कुछ अलग सा प्लान कर रहे हैं हम लोग. ओके, दैट्स ग्रेट. तो मुझे बताओ, हाँ जी, कल की परफॉर्मेंस देखी क्या तुमने? नहीं, मैंने कल की परफॉर्मेंस अभी नहीं देखी है, बट डेफिनेटली ऐप पे आई विल सी दैट. आई विश कि तुम कल की परफॉर्मेंस देखो और हाँ जी, यू नो, फिर अपने अपने जो तुम्हारा दिल बोले फिर उसके साथ ही आगे बढ़ो. डेफिनेटली सर, अभी सारे वोट्स करवाने हैं बैठ के, सो डेफिनेटली मैं भी स्टोरी पे भी आई विल जस्ट पोस्ट इट कि सब लोग मिलके वोट करें यहाँ पे. तो जितने भी लोग यहाँ पे पेज के थ्रू अभी देख रहे हैं, आए हैं, मेक श्योर कि आपको वोट जरूर करना है. मैं नंबर भी डाल दूंगा, आपको सिर्फ मिस कॉल करनी है वहां पे. सो मैं और खास बात है कि समय समय जो है वो 8 बजे तक का है. 8 बजे तक का है आज. चलो पारस, इसी बात पे एक अच्छा सा गाना हो जाए. सर मैं तो भी आपके सामने क्या ही सुनाऊं. तो आप ऐसी जगह बैठे हो, मुझे इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे हैं, गिटार दिखा था मुझे अभी तो. दैट्स माय सेटअप, मतलब मैंने रूम में थोड़ा सा सेटअप कर रखा है. हाँ हाँ हाँ, या ऐसा ही मुझे भी याद आ गया, मैंने भी ऐसे एक वक्त पे बनाया था. ग्रेट, सुनो. सर मैं आपको अपना ओरिजिनल ही सुना देता हूँ फिर. सो आई थिंक आप ओरिजिनल सुनाओगे, लेकिन ऐसे रिलीज हो चुका है वो. या हाँ, फिर सुनो. बातें तेरी मेरी नहीं हो रही तो क्या, रातें सवेरों में शामिल नहीं हो रही तो क्या, कुछ तो बचा है जो मुझको तेरी ओर खींचे, जो भी वजह है चल संग तू हाथों को थामे आंखों को मीचे, तू कुछ पूछे तो तुझसे मैं पहले कहना चाहूंगा तेरा हूँ तेरा ही रहूंगा, तेरा हूँ तेरा ही रहूंगा, तेरा हूँ तेरा ही रहूंगा. थैंक यू सर. वेरी गुड यार, गुड कॉम्पोजिशन. किसका कॉम्पोजिशन किसका? ये मेरा, ये मैं खुद लिखता हूँ, खुद ही कंपोज करता हूँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ. वेरी टैलेंटेड यार, वेरी टैलेंटेड. Thank you so much. बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में ही यू नो इस तरह के लोग हैं जो जो यू नो जैसे आई कांट राइट, मैं उतना अच्छा नहीं लिख सकता, मैं थॉट्स लिखता हूँ. बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, गाने का थॉट बहुत अच्छा, हुक लाइन सिग्नेचर बहुत अच्छी बनाई है. तेरा हूँ तेरा ही रहूंगा, यू नो ये कभी कभी क्या होता है, थॉट्स वर्क करते हैं और आइडिया अपने आप में वर्क करता है. आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे. Thank you so much. It means a lot. I think अच्छा म्यूजिक, अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग अप्रिशिएट होने चाहिए, और पूरा हक है तुम्हारा अप्रिशिएट होने का. ब्यूटीफुल लिरिक्स अभी किसने लिखा है? ब्यूटीफुल लिरिक्स नहीं, नीचे भी लोग लिख रहे हैं तुम्हारे. थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग यहां देख रहे हैं, मींस अ लॉट. थैंक यू. और वेरी गुड यार, आई मीन गॉड ब्लेस यू. लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा यार. थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट. मतलब आपसे वर्ड्स मिल रहे हैं सुनने को, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू. अरे यार, गॉड ब्लेस यू. और अच्छा म्यूजिक ऐसे ही रखो बॉस, हमारे फोन में अच्छी प्लेलिस्ट नहीं बन रही आजकल, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि है कि हम लोग अच्छा प्लेलिस्ट बना के. बहुत सारे लोग ऐसे पारस भाई, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे तुमको लेके. वेरी गुड यार. सर मैं तो रोज रात को लाइव आता हूँ, तो सब लोग दोस्त ही है, सब सबको सबसे मिलता हूँ, सब आर्टिस्ट के साथ ज्वाइन करता हूँ मैं लाइव. जरूर सर, प्लीज आप आइए, यूर मोस्ट वेलकम. हमें हम सबको बहुत अच्छा लगेगा. और आई थिंक आजकल चार लोग भी एक साथ ऐड हो जाते हैं एक ही लाइव पे,
सो वो बहुत ही अच्छी अभी वो उतनी उतना ट्रेंड में हूँ नहीं वो अच्छा, मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मैं खुद ही इसमें फंस रहा हूँ एक एड होता नहीं है मेरे से बट थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर शो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जीते वहां पे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी हमेशा आपको सपोर्ट करने की अच्छी तरह से और मैं जरूर इसके बाद मैं वोटिंग्स आपकी करवाता हूं इट्स माय थैंक यू और प्लीज लास्ट एपिसोड जो कल परफॉर्म किया वो देखना हां डेफिनेटली सर डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली लुक अप थैंक यू पारस थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी लाइव सर इट मींस अ लॉट थैंक यू सो मच टेक केयर थैंक यू यार थैंक यू सो मच थैंक्स बाय 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 वाओ मजा आया ढेर सारा मजा आया अब बताइए क्या किया जाए कितना अच्छा गाया पारस ने यार मजा आया है ना क्या वोकल था कॉर्ड प्रोग्रेशन राइटिंग कैसे बताऊं वो जो मासूमियत होती है ना म्यूजिक की मुझे बहुत अच्छा लगा तो अच्छा म्यूजिक अच्छा ही लगता है हम सबको अच्छा लगता है और सबकी कोशिश होती है कि आई थिंक सब अच्छा अच्छा म्यूजिक निकालें अच्छा अच्छा म्यूजिक बनाएं है ना गाइस रूपाली 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 कैसी हो आओ लाइव चलते हैं रूपाली जग्गा हमारे साथ है तो मुझे नहीं पता रूपाली कैसे लाइव जाएंगे हाय ग्रेट फाइनली मैं सीख रहा हूँ ऐड करना मैंने तो मैं ऐड कर लिया कैन यू सी मी हाँ थोड़ा सा लाइट वाइट का इशू है बट आई कैन सी यू How are you? I'm good. How are you? क्या हो रहा है? बहुत तैयार हो यार और कहीं जा रही हो? मैं actually मेरा मैं I'm in Udaipur show था just finished it. दिन में कौन सा show कर रही हो तुम? यार day का show था. अरे वाह. How are you? I'm good. Vote मांग रहा हूँ. मैंने कल रात मांग लिए. मांग लिए आपने? अब आप इतनी खूबसूरत हैं यहाँ पे आई हैं मेरे वोट आप ले जाओगे? अरे नहीं 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 प्लीज यूपी को वोट करो और पंजाब को भी कर दो थोड़े बहुत अगला लीग मैच तो हम दो के बीच में ही है जो आने वाला है बहुत मस्ती की हम लोगों ने यार बहुत मस्ती की सो वेरी हेल्दी कंपटीशन यस 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 और रूपाली तुमने बहुत अच्छा गाया हमने डांस भी किया मुझे याद है क्या मस्ती कर रहे थे हम लोग स्टेज पे यस रूपाली को मैं बहुत मतलब वक्त से जानता हूँ हम लोग मिले नहीं है वो अलग बात है बट शी इज वेरी डैम गुड परफॉर्मर ऑन स्टेज अरे मतलब मैं तुमको जब से जानता हूँ जब से जानता हूँ हाँ तब से हम लोग नहीं मिले सो शी इज बहुत अच्छा नेचर है और हर वक्त फोन ऑन रहता है इसका जब जब मौका मिले फोटो खींचती है जब मौका मिले मेरे को भी पोपट बना के पता नहीं क्या इसने पोस्ट कराया मुझे समझ नहीं आया इसने किया क्या मेरे साथ बट शी इज रियली स्वीट बहुत प्यारी लड़की है बहुत अच्छी लड़की है और एक आने वाले एपिसोड में ऑफ कोर्स शी इज फ्रॉम पंजाब मैं यूपी से तो इनको देख के मैं कुछ चीजें भूल गया था मैं नाम ही नहीं ले पा रहा था वो तो देखने वाला अभी बताना नहीं चाहिए आई थिंक अभी नहीं बताएंगे वो आप नेक्स्ट सैटरडे को देखिए हम दोनों के बीच की मस्ती यस और शो कैसा रहा तुम्हारा बाकी बहुत अच्छा रहा एक्चुअली बस रश रश में कल रात जयपुर था राइट नाउ मैं उदयपुर कल मुंबई उदयपुर मेरा फेवरेट है Yeah, it's very beautiful. बहुत ही सुंदर जगह है. वहाँ पे वहाँ के जो किंग हैं लक्ष्मणराज जी वो मेरे बड़े बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा नेचर है उनका मैं जब भी जाता हूँ वो इतना प्यार करते हैं इतनी इज्जत देते हैं सो आई थिंक ही इज द किंग एक्चुअली रियल किंग जो है ना वो खुले दिल के हैं वो ही इज द किंग
सो वेयर आर यू मुंबई? कहां रुकी हो तुम? मैं हूँ ट्राइडेंट उदयपुर। अरे मत बताओ, मैंने गलती कर दी, अभी लोग आ जाएंगे तुम्हारे पास। मैं घर पे हूँ यार, मैं बस चिल मार रहा हूँ आज। अरे आज तो क्योंकि चिल मारने का दिन है, कोई शो हो, मेरे कोई हाँ। शो हो नहीं रहा, मैं घर अच्छा, पे बैठा हूँ बस। हाँ। रहने दो, अब आप बड़े आर्टिस्ट हो, हम लोग तो चलो कोई ऐसा बड़ ये क्या होता है, मतलब बड़े आर्टिस्ट छोटे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हैं हम सब। हम तुम साथ में मिलके परफॉर्म कर रहे हैं, हम कितनी मस्ती की, बिल्कुल। आई एम ग्लैड, यही चीज होनी चाहिए हम सब में। और अच्छा है कि इंडियन प्रो म्यूजिक लीग एनजीटीवी हमें ऐसा स्टेज दे रहा है जो हम लोग साथ में यू नो मिलके परफॉर्म कर पाए और बातें कर पाए, मस्ती कर पाए, और यू नो सब कुछ। बहुत कितना हेल्दी कंपटीशन है, कितना मजा आ रहा है साथ में, है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है। एंड आई विल टेल यू कि आपकी टीम तो स्टिल सेकंड नंबर पे है, मेरी तो बेचारी अभी ने खाता ही नहीं खोला है। नहीं खुल जाएगा। आप अभी तुमने वो किया है ना, मतलब यूपी के साथ बात कर रही हूँ ना, अभी तो वो खुलेगा। यूपी का थोड़ा लक लेके जाऊंगी ना मैं। नहीं यार तुम इतनी अच्छी, तुम गाइस शी इज डैम गुड परफॉर्मर। ये कुछ कुछ अच्छा लगा कुछ लड़कियों को देख के, जैसे मुझे नेहा को देख के बहुत अच्छा लगा, नेहा मसीन को, कि वो परफॉर्म कर रही है, मतलब उसको याद है उसकी जो स्टेप्स हैं, और वो करते करते शी इज सिंगिंग। सेम तुम्हारे साथ, तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारे मूवमेंट, तुम्हारा थ्रो। अब पिछली बार तो मैं सामने से देख रहा था जो तुमने गाया था, उसमें क्या वोकल थ्रो था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुमने वो बातें हैं, और बहुत तुमने हार्डवर्क किया है, तुम जहाँ से आई हो, मतलब कितने वक्त से मैं तुम्हें जानता हूँ, मनोज जी ने मिलाया था, और वेरी गुड, आई मीन तुम यू आर डूइंग वेरी गुड यार, मैं तुमको बेहद दिल से पसंद करता हूँ, और तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे अच्छा लगता है। और अच्छा ये बात means a lot coming from you, literally. नहीं, literally अच्छा ये भी लगता है कि तुम देखो तुम्हारे यहाँ पे जो कुछ भी है दिल पे और यहाँ पे, वो तुम कर पा रही हो, समझी? ये वाजी बहुत बड़ी बात है, हमें पता है लेकिन हमें हम कर नहीं पाते कभी कभी, और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकती हो, उसके कितने परसेंटेज तुम यू नो कर पा रही हो, वो अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोगों को अच्छा लगता है, वही चीज मुझे नेहा से यू नो मैं सीखता हूँ, और वो चीज मैं तुमसे सीखता हूँ कि चलो यू नो तुम कर पा रही हो, और मैं भी कर सकता हूँ, और हम सब कर सकते हैं, जितने लोग भी हैं। सलमान इज योर। करो ना ऐड करो, कैसे आप कर सकते हो ऐड? मुझे खुद नहीं पता कैसे ऐड करेंगे। सलमान कुछ रिक्वेस्ट दो यार प्लीज। अच्छा डू यू नो मैं वैसे हूँ यूपी से। नहीं अच्छा किधर से हो तुम? I'm born in Saharanpur. Oh. हाँ जी. अच्छा पता नहीं था. फिर बाद में किधर गई? देख बाद में I got shifted to Chandigarh for my college and my studies. फिर चंडीगढ़ से बॉम्बे, ऐसा क्या हुआ? चंडीगढ़ से बॉम्बे, yes. अच्छा चंडी, मुझे नहीं पता था सहारनपुर. Yeah. लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी वो यूपी का कोई कुछ कुछ पता नहीं? नहीं मुझे यूपी क्या, इतना लैंग्वेज भी नहीं, मतलब बीइंग अ पंजाबी, फैमिली पंजाबी है, और उस बाकी पढ़ी भी मैं पंजाब में हूँ, तो इसलिए शायद। या देखो तुम्हारे फैंस आ गए अभी, रूपालियन, एक मिनट रुको। हाय गाइस एवरीबॉडी, उस पे वो तुम्हारा वोट का नंबर लिख रहा है। आई थिंक यूपी और पंजाब बहुत प्यार से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आप लोग तो फिर भी बढ़ गए, हम तो बहुत पीछे हैं अभी। अभी तो फर्स्ट रिजल्ट है ना, या अभी तो मैच आगे जाना है। अभी तो मैच आगे जाना है, अभी तो 100% अभी तो। बट मुझे बताओ अगर सलमान अगर है तो ऐड कैसे करेंगे उसको? बिकॉज इट्स योर लाइन ना, तो आपके पास ही ऑप्शन होगा। बट मुझे यहाँ दिखना ही चाहिए ना, या तो मैं सर्च करूँ क्या? आपको सर्च, आप यू कैन सर्च सलमान एंड सेंड द रिक्वेस्ट। बट किधर सर्च करें? इसमें ऑप्शन भी नहीं है सर्च करने का, क्लिक करके कहीं कहां सर्च करें? जहां पर ऊपर आ रहा है ना योर लाइव अंकित तिवारी रूपाली। चलो मैं देखता हूं। हां हां हां
यू कैन सर्च देयर. अरे उसका पेज क्यों नहीं आ रहा मेरे में गाइस. अभी मेरा नंबर लिखे जा रहे हैं यहाँ पे. देखो क्या हो रहा है. हाय स्नेहा. स्नेहा इज राइटिंग हर टीम में. अजीब बात है कि मुझे मेरे को सलमान दिख नहीं रहा है. नहीं सर्च करने स्पेलिंग भी नहीं आ रहा. नहीं स्पेलिंग एस ए होगी कि एस एल होगी. एस ए एल. हाँ वही डाल रहा हूँ मैं. एम ए एन. हाँ वही डाल रहा हूँ. एम डबल एन. क्या आ रहा है उसमें. एस ए. अच्छा नहीं जब मैं उसको टैग करता हूँ तो दिखता है बट अभी क्यों नहीं दिख रहा है. बाकी सलमान खान आ गए. उनको भेज दो रिक्वेस्ट. बाकी तो आई डोंट नो मुझे आ ही नहीं रहा है वो. चलो मेरे बाद ज्वाइन कर लेना आप शायद तब आ जाए. यस चलो यू कैरी ऑन. तुम ले लो. तुम लो एक स्क्रीनशॉट. अच्छा सा स्क्रीनशॉट. हाँ एक सेकंड ये कमेंट्स हटाने. वेट वेट. अरे हो जा ले लिया. हुआ चलो कुछ गा के सुना के जाओ सबको. अच्छा क्या सुनाओ बताओ. हाँ द सॉन्ग आई सैंग अभी जाने वाला अपने लीड में. ठीक है जो जिसकी आप अभी बात कर रहे थे माही वेकी मैं वही सुना देती हूँ. वो लाइन चलेगा. माही वे मोहब्बता सचिया ने. ओ माही वे मोहब्बता सचिया ने. मंगदा नसीबा कुछ हो रे किस्मत दे मारे असी की करे. किस्मत दे किस्मत दे मारे असी की करिए. किस्मत ते किस दा जोर है. माही वे माही वे माही वे माही पटाखा आवाज लड़की की. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. नाउ यू आल्सो सिंग फॉर अस तेरी गलियां. ओह मैं एक्चुअली लाइव था तो मैंने गलियां गा दिया है शायद. अच्छा कुछ और गाए. सुन रहा है तू है कि नहीं गाता. डन. दौड़ते हैं खाब जिन पे रास्ता वो तू लगे. नींद से जो आँख का है वास्ता वो तू लगे. तू बदलता वक्त को ही खुशनुमा सा पल मेरा. तू वो लम्हा जो न ठहरे आने वाला कल मेरा. मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है के नहीं. तू है के नहीं. तू है के नहीं. तू है के नहीं. वाओ वेरी नाइस. बहुत ही खूबसूरत गाना. पता मैंने इस गाने का कवर किया था काफी पहले. आई विल सेंड यू. अच्छा कब.
प्लीज प्लीज भेजो भेजो। हाँ, अभी तो क्या तुम मिलती रहो, अभी तुम बहुत दूर हो यार, जल्दी से आओ, मिलते हैं कल वापस मुंबई। कब आ रही हो? टुमारो। कल आ रही हो? हाँ जी। चलो आ जाओ मंडे ट्यूसडे अपन मिलते हैं। I just saw वो सलमान is official सलमान अली, उससे मिलेगा आपको। एक मिनट को। अरे यार हटो। ऑफिशियल मिला नहीं? ऑफिशियल बाकी सब आ गया। आई थिंक आई नीड टू टीच यू इंस्टाग्राम प्लीज। मैं थोड़ा मैं एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं कहीं गलत ढूंढ रहा हूँ। नहीं नहीं कभी कभी नहीं मिलते हैं ना इंस्टाग्राम में, बहुत ग्लिचेस हैं समटाइम्स। बहुत भूमि आ गई है, हेमंत आ गया है, ऑफिशियल सभी, ऑफिशियल हेमंत, ऑफिशियल आईपीएमएल। मेकअप पाजी को भेज दो। मेकअप पाजी को भेजते, चलो देखते हैं कहाँ है मेकअप पाजी। He is in गुवाहाटी। मेकअप भी नहीं आ रहा यार। पाजी यार आई थिंक बताए ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मिस्टेक होगी। मिक्का वॉरियर्स आ गया। मिक्का वॉरियर्स ये कौन है? फैन पेज होगा। यार ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो, इरिटेट कर रहा है पता है फालतू। तुम नहीं कर सकती हो? नहीं नहीं आपका लाइव है ना यूट्यूब। सलमान का भी मेरे को नहीं आ रहा ऑफिशियल सलमान सब कुछ। हाँ हाँ सब कुछ सर्च कर लिया और जैसे ही मैं टैग करूंगा ना इजी मिलता है। हाँ वो तो मिलता है करेक्ट। अभी सर्च कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है। आई थिंक ना ये जो रिक्वेस्ट वाला है ना गो लाइव इन अ रूम ऑप्शन आता है गो, उसमें नहीं आ रहा है। पर उसी में ही आता है और तो कोई तरीका ही नहीं है। और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका भी नहीं है। और तुम तो जैसे तुम्हारा तो उधर ही दिख गया था कमेंट में तो इजी हो गया था। करेक्ट करेक्ट। बाकी मिक्का में नहीं आ रहा है, ऑफिशियल मिक्का में नहीं आ रहा है। मिक्का पाजी का मिक्का सिंह से ही है। हाँ मिहिर जोशी कोई आ गया। सलमान का तो आ ही नहीं रहा है, ये दोनों लोग गायब ही है मेरे लगता है, सब नाराज है बैठे। पायल दी को नाराज कोई नहीं बैठा, देखते हैं अभी पायल का चेक करते हैं। सब मुझे सोच रहे थे अंकित कितने। हाँ पता लगा वो भी नहीं आ रहे हैं, मुझे तो कमेंट्स आने बंद हो गए हैं पता है। ऐसा क्यों पता नहीं बताए। रूपाली मुझे लगता है कि अगर कोई उस इस वक्त लाइव होगा मतलब या तो उस जगह पे होगा तभी वो कैमरे पे आएगा वरना वैसे नहीं आ रहा है। दे उसमें किसने लिखा बट दे नीड टू बी विद यू लाइव, उनको लाइव होने की उस वक्त तभी आएगा, इसलिए ना ही सलमान को जा रहा है ना ही मिक्का को जा रहा है, मिक्का पाजी को ना ही पायल को जाएगा क्योंकि वो दे नीड टू बी ऑनलाइन मतलब इंस्टाग्राम पे तभी जाएगा। दे नीड टू बी ऑनलाइन। यस ओके या ये हो सकता है। मेरी मिस्टेक नहीं है। यस चलो यू कैरी ऑन। हाँ जी हाँ जी एंड गाइस प्लीज वोट फॉर यूपी एज वेल बिल्कुल और हमें भी वोट करो दोनों को कर दो। स्वीटली बोल रही है देखो प्लीज दोनों को वोट करो दोनों को कर और, दो। बहुत मजा आएगा पंजाब और यूपी का मैच देखोगे आप जब, बहुत ही मिक्का पाजी द किंग और रूपाली स्वीट लड़की इन सब ने मिल के इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत मजा आने वाला। यूपी ने भी बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है और बिल्कुल देखेंगे आपका पता चलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट रूपाली टेक केयर, आ जाओ मिलते हैं, बहुत सारा प्यार, बाय 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 बाय। चलो गाइस मजा आया बहुत।
बहुत सारी बातें हुई आपसे और काफी एक दो फ्रेंड्स भी ऐड हुए, मजेदार था जो कुछ भी था, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग था. सो आगे से अगर इतनी सारी विंडोज हम लोग कनेक्ट कर सकते हो तो आगे से मल्टी विंडो कनेक्ट करेंगे और मैं अपने बहुत से फ्रेंड्स को बुलाऊंगा और बहुत सी ढेर सारी बातें करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और वोट करिए. फिर से नंबर बता देता हूँ, 993-4x0-3-2-4, 993-4x0-3-2-4. समय रात 8 बजे तक का है, प्लीज वोट करिए, प्लीज आपकी बहुत बहुत जरूरत है हम सबको. थैंक यू. और जाने से पहले एक अच्छा सा गाना हो जाए. आप ही बताओ क्या गाऊं मैं, फिर समझ नहीं आता मुझे. चलो अच्छा ये याद आ गया. तेरे सांसों के सांसों में जो हूं तू मैं हूं, तेरे ख्वाबों की आंचों में जो हूं तू मैं हूं, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तू मैं हूँ, यू जो है तू मैं हूँ. थैंक यू, बहुत सारा प्यार. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज एंड सपोर्टिंग मी एंड माय म्यूजिक. वोट करो और यूपी दबंग्स को आगे ले जाओ. थैंक्स, बाय.